हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमल वर्ल्ड में। दोस्तों, जानवरों की दुनिया सबसे ही अलग होती है। यहाँ अपना पेट भरने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, शेर, बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवर भी अपने इलाकों और परिवार के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, और इस लड़ाई में उसी की जीत होती है जो सबसे ताकतवर होता है। पर दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं होता, कभी कभी शिकारी भी खुद शिकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेर और जिराफ की लड़ाई की। दोस्तों, हम सभी को पता है कि शेर जंगल का राजा होता है, तो इसके सामने चाहे हाथी आ जाए या जिराफ, वो उसको अपना शिकार बना ही लेता है। पर दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं कि शेर 100 में से 100 बार जिराफ का शिकार कर ही लेता है। एक अकेला शेर बिना अपने झुंड के एक वयस्क जिराफ का शिकार कभी नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करने की उसने कोशिश भी की तो जिराफ की एक किक से शेर को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों, इनकी लड़ाई देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बेहद आवश्यकता है। दोस्तों, शेर जंगल का राजा है, और इस राजा का जबड़ा तोड़ने के लिए जेब्रा और जिराफ की किक ज्यादा मशहूर है। बात करें एक वयस्क जिराफ की, तो इसकी औसतन ऊंचाई 5 से 6 मीटर तक की होती है, और इसका अधिकतम वजन करीब 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, जिराफ सभी स्थलीय जानवरों में से सबसे ऊंचा जानवर है, जिसे इसकी लंबी गर्दन तथा टांगों और इसके विशिष्ट सींगों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जानवर सभी जुगाली करने वाले जानवरों में से सबसे बड़ा जुगाली करने वाला जीव है, जो बबूल और कीकर की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता है। दोस्तों, जिराफ का मुंह एक ऊंट की तरह और इसकी त्वचा एक तेंदुए की तरह होती है, पर ये एक शाकाहारी और सीधा जानवर है जो इंसानों से भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। अब बात करें इनकी लड़ाई की, तो एक वयस्क शेर जो अधिकतम 320 किलोग्राम वजनी हो सकता है, जब जिराफ का शिकार करता है तो अपने झुंड के साथ करता है, क्योंकि शेर अच्छी तरह जानता है कि इतने बड़े जीव को अकेले मारना उसके बस की बात नहीं। शेरों का झुंड जिराफ को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर उस पर बारी बारी हमला करता है, क्योंकि शेर जब तक जिराफ की गर्दन नहीं पकड़ेगा तब तक उसे नहीं मार सकता, और एक जिराफ की गर्दन पकड़ना शेरों को नाको चने जमाना जैसा होगा। दोस्तों, शेर जब किसी शिकार की गर्दन पकड़ता है तो अपने 70 मिलीमीटर केनाइन टूथ से 650 PSI तक का दबाव लगाकर उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, वैसे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेर जिराफ को नहीं मार सकता। शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता, चाहे जितना भी बड़ा जानवर क्यों ना आ जाए, शेर अपने कदम पीछे नहीं हटाता। पर दोस्तों, कभी कभी शेर से भी गलतियां हो जाती हैं, जिसका खामियाजा उसे जिराफ की लात खाकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जिराफ की किक इतनी पावरफुल होती है जो किसी भी शिकारी के चेहरे का नक्शा बिगाड़ सकती है। जिराफ अपने पैरों की हड्डियों में यांत्रिक तनाव के चलते ही अपने शरीर का करीब 1000 किलोग्राम भार उठा पाता है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में देखिए, दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे भारी असली जानवर गैंडा जब इसकी लात खाता है तो ऐसे भागता है जैसे रेसिंग कॉन्सर्ट में भाग ले रहा हो। दोस्तों, जिराफ जब अपने पैरों से वार करता है तो 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत लगाता है। अब भला इतनी जोरदार किक जब किसी शिकारी के मुंह पर पड़ेगी तो उसका जबड़ा टूट ही जाएगा। एक वयस्क जिराफ शेर के चंगुल में बहुत कम ही आता है दोस्तों, लेकिन शेर जिराफ के बच्चों का शिकार अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि जिराफ अक्सर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ये थोड़ी देर के लिए एकत्रित होते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब शेर ठहरा जंगल का राजा, और उसके साथ उसकी पूरी सेना तो रहती ही है, तो अकेला जिराफ शेरों का सामना नहीं कर पाता और शेरों का शिकार बन जाता है। पर दोस्तों, जिराफ भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। शेरों का निवाला बनने से पहले जिराफ अपनी किक से एक दो शेरों को घायल तो कर ही देता है। पर दोस्तों, जिराफ और शेर की लड़ाई में 100 में से 90 बार जीत शेर की ही होती है, क्योंकि शेर किसी का भी शिकार बड़े प्लानिंग और धैर्य के साथ करता है, इसलिए शेर अपने शिकार पर हमेशा विजयी रहता है। दोस्तों, जंगल का कानून सबसे अलग होता है। अगर जिंदा रहना है तो अपना वर्चस्व कायम रखना पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको जिराफ पसंद है या जंगल का राजा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक देना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।